आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा क्या क्या वैकेंसीज अभी निकला है पूरे ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पर, जो आप सभी जो है वो फिल कर सकते हैं। बहुत जन का डाउट था, भैया हम लोग बिहार की जो वैकेंसीज है या अदर वैकेंसीज है वो हम लोग फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और कितना कितना वैकेंसीज निकला है अभी हाल फिलहाल में जो हम सभी जो है वो भर सकते हैं। हर एक वैकेंसीज के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। उसके पहले बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपडेट किया जाता है ना तो आप सभी के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। और हां, आज से आपका जो है वो क्लास स्टार्ट हो रहा है किसका, जीके और जीएस के 5000 क्वेश्चन का, जो शाम को 4 बजे से क्लास स्टार्ट होगा। रोज बराबर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपका पहला क्लास है। अगर मैं पहली बात करूं तो आप सभी देख पा रहे होंगे बिहार पुलिस में जो है वो आप सभी का बहाली निकला हुआ है। कहां पर? बिहार पुलिस में। अब यहां पर मैं बात कर दूं 454 पोस्ट की बहाली लिखनी है। और एक बात, ये आप किसी भी राज्य में है आप वो फॉर्म जो है ये फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यह जो वैकेंसीज है ना वो जनरल के लिए नहीं है, ये जो है जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से। एक बात, पहला बात याद रखिएगा, 24 जून से जो है आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है और लास्ट डेट यानी नजदीक आ चुका है 24 जुलाई, यानी आज जो है आप सभी का लास्ट डेट है, ठीक है। और 10+2 अगर आपने किया है तो फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। एज क्या चाहिए? 18 से 30 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, ठीक है। और जॉब जो है आपका बिहार में ही मिलेगा। और एक बात याद रखिएगा, जो एप्लीकेशन फीस है ना वो आपका ₹112 रखा गया है। अगला, और एक बात बता दूं, यहां पर नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा, यानी रिटर्न एग्जाम के बल पर आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा, लेकिन लिखित परीक्षा जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई करने के लिए ना 100 में 30 नंबर आपको चाहिए, और आपका जो सिलेक्शन होगा वो फिजिकल के अनुसार होगा, उसमें आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और फिजिकल का भी सब कुछ बताया गया, मैं आपको दिखा दे रहा हूं फिजिकल में आपको क्या क्या बोला है। अगर आप जितने भी महिला हैं उनको 1 किलोमीटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में जो है वो दौड़ना है। अगर 5 मिनट से आप ज्यादा टाइम लेती हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगी, ठीक है। दूसरा बात, अगर 4 मिनट में अगर आप दौड़ेंगी तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट 20 सेकेंड में तो आपको 40 अंक, 4 मिनट 40 सेकेंड में तो 30 अंक आपको दिए जाएंगे, 4 मिनट 40 सेकेंड तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे, ये आप याद रखिएगा। और यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला जो है उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। एक तो पहला आपका दौड़ है, दूसरा जो आपको बताया गया है गोला फेंकना है आपको, कितना, अब देखो 12 पाउंड का जो है वो गोला फेंकना है आप सभी को, ठीक है, और 12 फीट फेंकना होगा। अगर 12 फीट से 13 फीट तक अगर आप फेंकती हैं 12 पाउंड का तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे, 13 फीट से 14 फीट तो 13 अंक, यहां पर 17, 21 और 25 आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद एक और चीज आपको दिया गया है, हाई जंप यहां पर रखा गया है आप सभी के लिए जो 25 अंक है, जिसमें 3 फीट अगर आप कूदती हैं जंप करती हैं 13 अंक, 3 फुट 4 इंच तो 17 अंक, 3 फुट 8 इंच तो 21 अंक, और 4 फीट अगर आप जंप करती हैं तो 25 अंक, और 3 फीट से कम कूदेंगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो एक तो पहला बहाली आपका यह निकला है जो आप भर सकते हैं, बहुत लोग भर भी चुके होंगे। अब दूसरा बहाली जो आपको भरना चाहिए, सभी कमेंट कर पूछ रहे हैं भैया हम लोग बाहर स्टेट से हैं क्या ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिहार फॉरेस्ट गार्ड का बहाली निकला है 484, यह ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट आपका 24 जुलाई यानी आज से फॉर्म फिलअप होगा, और लास्ट डेट जो है वो आपका 1 सितंबर रखा गया है, यानी इसके बीच में आपको फॉर्म फिलअप करना है। दूसरी बात याद रखिएगा, अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको ₹450 दिए जाएंगे एप्लीकेशन फीस का देना पड़ेगा। अगर एससी एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन है तो ₹112, ठीक। दूसरा,
क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो 10+2 जो है आपको क्वालिफिकेशन मांग रहा है और वो भी पास। तीसरा चीज देखो, जनरल के लिए जो उम्र सीमा रखी गई है ना वो 18 से 23 साल, ओबीसी के लिए 18 से 25 और एसटी एससी के लिए 18 से 28 साल तक। और सैलरी तो छोड़ दो, एक बार जॉब लगने के बाद सैलरी क्या है वो तो मिलता रहता है, लेकिन फिर ये बता दूं जो बेसिक रखा गया है वो 5,200 से 20,200 तक और ग्रेड पे 2,000 का आपको मिलेगा। दूसरा बात याद रखिएगा, फिजिकल के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, आपको जो आपका हाइट चाहिए वो 160 सेंटीमीटर, ठीक है, और किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और अन्य के लिए 165, और न्यूनतम जो सीना है चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर अलग अन्य के लिए यानी जनरल ओबीसी के लिए। पैदल चलने की क्षमता जो है आपका 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और ये अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य के लिए जो वो एक है, ठीक है। और एक बात, महिलाओं का जो हाइट होना चाहिए वो 155 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 160 सेंटीमीटर, और इनको 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना होगा और अन्य को भी इतना ही। अब दूसरा बात याद रखिएगा, यहां पर मैं पूरा वैकेंसीज आपको बता दे रहा हूं 484 में कैसे डिवाइड किया गया है। तो सामान्य वर्ग के लिए 186 पोस्ट है, याद रखिएगा, ठीक। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 41, अनुसूचित जाति के लिए 72 और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 46 और पिछड़ा वर्ग के लिए 125 और पिछड़ा वर्ग की महिला, यहां पर बात कर रहा है महिला की, तो कितना 7, ठीक है। याद रखिए टोटल कितना पोस्ट है, 484 पोस्ट है। ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जितने भी मेरे भाई बहन है। बहुत जन कमेंट आ रहा था भैया बिहार का जो फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसीज आया है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल, आप किसी भी राज्य से हैं आप फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। तीसरा बात याद रखिएगा आप सभी, एक चीज और, दिल्ली पुलिस का 5,846 जो पोस्ट है वो निकल कर आया, बहुत चर्चा में रहा है, और इसका डेट भी निकाल दिया गया है एग्जाम का। हालांकि फॉर्म अभी फिलअप नहीं हो रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन जैसे आएगा पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन ये फेक नहीं है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया है एसएससी के द्वारा, क्योंकि एग्जाम जो है वो एसएससी कंडक्ट करवाएगा। अब जो डेट रखा गया है वो 27/11 यानी 27 नवंबर, 30 से 1/12 से 3/12 7/12 से 14/12 यानी नवंबर लास्ट से लेकर दिसंबर 14 तारीख तक आपका एग्जाम चलेगा। यह डेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्लास 10 और 10 और 12, और फीस आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। अगला आप एक बार देख लेना यहां पर देखो, यहां पर आप सभी को बताया गया है ना कि जो कांस्टेबल मेल है उनके लिए कितना बहाली है, 168, जितने भी ईडब्ल्यूएस है यानी अपर कास्ट जो गरीब है उनके लिए 343, ओबीसी के लिए 662, यहां पर 1681 है, याद रखिए, एससी के लिए 590 और 157 आपका एसटी के लिए, टोटल वैकेंसी 3433। अगर महिलाओं के लिए बात करें 933 पोस्ट है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 220, ओबीसी के लिए 387, 328 आपका एससी के लिए है, और एसटी के लिए 94,1944, उसके बाद आपका इंक्लूडिंग पैकेज वगैरह ये आप सभी छोड़ दो एक्स सर्विसमैन के लिए, टोटल ऐसे बन जाता है 5,846। जब से इसका फॉर्म फिलअप होगा मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब तीसरा चीज, एक सीआरपीएफ में वैकेंसी निकला है और ये इसका डाटा ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएगा, crpf.gov.in पर। जितने भी पोस्ट मैं दिखाऊंगा आप सभी को पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर, सारा ऑफिशियल है, ठीक है। अब इसके बारे में जान लो, अगर मैं बात करूं सीआरपीएफ में तो 789 पोस्ट आप सभी का निकला है जो मैंने आपको दिखा दिया है, और जो नाम दिया गया वो दिया गया पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020, ठीक है। कौन कौन से पोस्ट है, तो इंस्पेक्टर का पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, सी वाला ऊपर वाला दोनों ग्रुप बी, कांस्टेबल ग्रुप सी और हेड कांस्टेबल का पोस्ट है आप सभी का। अब थोड़ा सा नीचे में जाकर बात करूं, यहां पर
जो टाइप ऑफ पोस्ट है वो टेम्पोररी है, आप याद रखिएगा, जॉब लोकेशन जो है कहीं पर भी मिल सकता है। एप्लीकेशन का जो डेट स्टार्ट होगा ना फॉर्म फिलअप करने का, वो 20 जुलाई से 31 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और रिटर्न एग्जाम जो है वो 20 दिसंबर को आप सभी का होगा। और एक बात याद रखिएगा, आप ये फॉर्म जो है ना वो ऑनलाइन फिलअप नहीं कर सकते, ऑफलाइन मोड है फॉर्म फिलअप करने का। और सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो फिजिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, मेडिकल टेस्ट होगा। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर पूछ सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। और आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहां पर मिल जाएगा, तो www.crpf.gov.in पर। हालांकि मैं सबका जो डिटेल है ना, जो सब बहाली का, मैं नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चाहिए तो देख लेते हैं। यहां पर देखो पोस्ट के बारे में बताया गया है, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए 175 पोस्ट है। जो मेन पोस्ट है आप वो देख लो, यहां पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है, उसके लिए 84, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कितना 64, और हेड कांस्टेबल के लिए जो है वो 88 है, ऐसे आपका बांटा गया है। और जितने भी वैकेंसी आपका निकलेगा ना, और यहां पर खाना बनाने के लिए जो कुक चाहिए कांस्टेबल उनके लिए 116, सफाई कर्मचारी के लिए 121, ठीक है। और जितने भी वैकेंसी आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा हफ्ता दर, ताकि जितने भी बहाली निकले हर स्टेट का जो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा। और यहां पर अगर बात कर ली जाए एज लिमिट को लेकर, तो यहां पर भी क्लियर मेंशन किया गया है आपका 30 साल से कम होना चाहिए इंस्पेक्टर के लिए। याद रखिएगा, स्टाफ नर्स के लिए भी आपका 30 अगस्त से कम होना चाहिए 31 अगस्त 2020 तक। अलग अलग आपका डेट लिखा गया, मैं सारा ये नोटिफिकेशन ना आप सभी को डाल दूंगा, पूरा क्वालिफिकेशन आप सभी देख पाएंगे, ठीक है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारा का सारा आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जितने भी चार मैंने वैकेंसीज बताई है ना, ये चारों फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी पल पल का नोटिफिकेशन का जानकारी जो है वो आप सभी तक हम लोग पहुंचाते रहें।